अपना नहीं, लास्ट लेक्चर तक अपना क्या हो गया था, अपने क्या 8.1 हो गई थी। उसमें क्या किए थे, कुछ अपनों ने किए थे परसेंटेज के क्वेश्चन किए थे, फिर क्या किए थे अपने, इससे पहले अपनों ने क्या किया था, अनुपात किया था। 8.2 में है कुछ परसेंटेज के क्वेश्चन है और एक टॉपिक है आपका जिसे आप बोल देते हैं प्रॉफिट एंड लॉस, यानी क्या लाभ और हानि, प्रॉफिट एंड। आपको मतलब हर एक टॉपिक का नहीं, मतलब बीच बीच में क्या बोलते हैं, बीच बीच में क्वेश्चन दे रखे हैं, क्या बोल देते हैं इसे, लाभ और हानि। अब एक बात बताओ, लाभ और हानि होगी किस पे, कुछ कहीं से खरीदेंगे कहीं बेचेंगे, अपने कम में खरीद के ज्यादा में बेच रहे हैं तो लाभ होगा, ज्यादा में खरीद के कम में बेच रहे हैं तो क्या होता है, हानि होता है। तो खरीदने को क्या कहते हैं, बेचने को क्या कहते हैं, जो आपके पैकेट्स में अगर जिसपे रेट लिखा होता है जो उसे क्या कहते हैं, उसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं। देखो एक होता है लाभ एक होता है हानि, इसमें एक क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य को किसे सीपी से लिखते हैं, विक्रय मूल्य है इसको किसे लिखेंगे एसपी से, फिर लाभ यानी पी से लिख सकते हैं, परसेंटेज में भी हो सकता है डायरेक्ट भी हो सकता है, हानि क्या बोलते हैं लॉस। एक होता है आपका एमआरपी, आपने किसी भी पैकेट्स वगैरह कोई चीज लेने जाते हैं, जैसे पेन पे देख लेते हैं अपने, या कोई बड़ी चीज जैसे बुक ली होती है, बुक पे क्या होता है कितने लिखे हुए हैं 250 रुपए, कितने एमआरपी अपने को दे कितने में रहे, कई बार एमआरपी पे मिलती है कई बार छूट पे मिल जाती है, इस प्रकार जो आपको छूट मिलती है एमआरपी पे जो छूट मिलती है उसको क्या बोलते हैं अपने, बट्टा बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, बट्टा बोलते हैं, ठीक है। तो क्रय मूल्य होता क्या, क्रय मूल्य कौन सा होता है, क्रय मूल्य वो होता है जिस रेट पे आपने सामान खरीदा है, खरीदने वाला जो होता है उसको जैसे क्रय मूल्य एक एग्जांपल लेते हैं अपने क्या होता है, थोड़ा सा समझ लेते हैं फिर अपने क्वेश्चंस पे चलेंगे, बेसिक समझ लें। क्रय मूल्य क्या होता है, एक दुकानदार के पास गए ठीक है, तो अपने कुछ खरीद रहे हैं, फॉर एग्जांपल एग्जांपल लेते हैं कि क्या आपने क्या खरीदा, फोन खरीदा है, मल्टीमीडिया वो नॉर्मल खरीद रहे हैं कीपैड वाला, मान लो कितने में खरीदा, 2000 रुपये में आपने फोन खरीदा है, क्या किया फोन खरीदा है, खरीदने का मतलब क्या हो जाएगा, जो आपने खरीद रहे हैं उसे क्या बोलेंगे, क्रय मूल्य, किसी वस्तु का क्या हो गया ये क्रय मूल्य, कितने रुपए था 2000 रुपए। मान लो मेरे को ये अच्छा नहीं लगा या मैंने कुछ दिन यूज किया या नया ही था, मैंने इसको बेच दिया विक्रय मूल्य, या मैंने बेचा इसको, बेच दिया कितने में बेच रही हूं, 1500 रुपये में। अब अपने को पता है जब अपने कहीं मतलब अपने खुद काम करते हो ज्यादा बेचेंगे, पर लेकिन अपने नॉर्मल है, खरीदा कितना 2000 रुपये में, बेचे कितना 1500, जो बेचे वो कितने में हो जाएगा, विक्रय मूल्य कितना 1500 रुपये। अब ये देखो क्रय मूल्य आपका 2000 रुपये है, बेचा आपने 1500, इसको छोड़ो अपने नॉर्मल बात कर ले क्या, कि आपने बैट मान लो क्रिकेट के लिए कोई बैट था आपने खरीदा, जब आप खरीदने गए दुकान पे तो आपको मिला 1000 रुपये में, आपने यूज किया अच्छा नहीं लगा ठीक है, अच्छा नहीं लगा मतलब कुछ टाइम यूज किया चलो चला लेते हैं, उसके बाद आपने चेंज कर बेचने की सोची, अब बेचोगे ये कौन सा हो गया, सेकंड हैंड हो गया, तो नॉर्मल सी बात है कम रुपए में बिका, कैप और आ गया आपने कितने 500 रुपये में आपने बेच दिया, या 500 नहीं 700 रुपये से हो जाएगा, 700 रुपये में आपने बेच दिया, 1000 रुपये में खरीद रहे हो 700 में बेच रहे हो, तो आपको हानि होगी या लाभ, मतलब आपको घाटा लगेगा या मुनाफा, नॉर्मल देखते हैं मुनाफा या घाटा, बोलते ना दुकान में भी कई बार आपने देखा होगा पापा जी लोगों की क्या आज तो घाटा लग गया या मुनाफा हो गया, तो ऐसे होता है कि मैंने 1000 रुपये में चीज खरीदी 700 में बेच रही हूँ तो मुझे क्या होगी, हानि होगी घाटा होगा, कितने में घाटा हो गया 300 रुपये का, तो क्या हो जाएगी ये हानि हो जाएगी। बाय चांस कोई चीज मैंने 100 रुपये की खरीदी 120
120 में बेच दी, 100 में खरीद के 120 में बेच दी, तो आपको क्या मिलेगा? लाभ मिलेगा या हानि? मेरे को फायदा नहीं हुआ क्या कि मैं 100 रुपए में खरीद रही हूँ, 120 में आपको बेच रही हूँ, तो मेरे को 20 रुपए क्या मिल गए? एक्स्ट्रा मिल गए। तो वो क्या हो गया? लाभ कितने का हो गया? 20 रुपए कैसे निकलेगा? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। अपने इसी वजह से कुछ फॉर्मूले देखते हैं कौन सा क्या होगा, तो आपको पता लग गया होगा कि क्या क्रय मूल्य क्या होता है, विक्रय मूल्य क्या होता है। एक अपने आपको बताया एमआरपी लिखा होता है, हर चीज पे मोस्टली एमआरपी लिखा ही होता है, ज्यादा ही लिखा होता है फिर कहते हैं इस पे छूट मिलेगी। जो एमआरपी होता है उसको क्या बोलते हैं? अंकित मूल्य। अब जैसे कोई फोन था 2000 पे एमआरपी कितना मिल गया? 2500 रुपए। एमआरपी कितना है? 2500। पर अपने खरीदा कितने है, मतलब खरीदा कितने का था? 2000 का। बेचा कितने में? 1500। देखा जाए तो अपने को जो हानि लॉस होगी किस पे होगी? एमआरपी पे होगा या क्रय मूल्य पे होगा? एमआरपी पे होगा या क्रय मूल्य पे होगा? क्रय मूल्य पे होगा, क्योंकि 2500 लिखा हुआ था, पर लेकिन अपने को जिससे खरीदा था दुकानदार को अपने दिए कितने है? 2000 रुपए दिए है, 2500 नहीं, तो घाटा अपने को किसमें लगा? 2000 में से लगेगा जितने में मिलेगा, क्योंकि अपने 1500 में बेची है, तो घाटा लगा कितने का? 500 बना के 1000 का। ये आपको समझ में आ गई। अब अगर तुमने देखे अपने को लाभ दिया हुआ है या लाभ निकालना है, इन्होंने बोला कोई चीज है उसको बेचने पर आपको लाभ मिला है कितना, तो अगर आपको बोले कि आपको लाभ निकालना है कितने का मिला, तो आप कैसे करोगे? अगर आपको लाभ बोला है तो क्या करोगे? लाभ बोला तो देखो एक ध्यान दो, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य ज्यादा होगा या क्रय मूल्य ज्यादा होगा? ऑब्वियसली सी बात है, अपने को लाभ मिलना है तो क्या होगा? विक्रय मूल्य ज्यादा होगा। तो आपका फॉर्मूला बन जाएगा विक्रय मूल्य माइनस क्या बन जाएगा? क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य में से क्या घटा दोगे? क्रय मूल्य घटा दोगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा? लाभ आ जाएगा। इसी प्रकार अगर हानि, मुझे किसी चीज की हानि होगी, हानि पूछ रही हूँ कितने की हुई है, तो क्या करोगे? हानि के उसमें क्रय मूल्य ज्यादा होगा, विक्रय मूल्य मेरे को मतलब घाटा हो रहा है, तो मैंने कम रुपए में चीज बेची है, कम रुपए में चीज बेची है, तो मतलब विक्रय मूल्य कम हो गया, क्रय मूल्य ज्यादा हो जाएगा, तो क्या करोगे? क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा। जो आपका बट्टा होता है यानी छूट, अगर छूट का फॉर्मूला पूछिए बट्टे का, तो क्या करोगे? अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, क्योंकि छूट जो आपको मिलती है अंकित मूल्य में मिलती है, जो बट्टा मिलता अंकित मूल्य में मिलता है। क्या कह रही हूँ? 2500 में है, आपको 1500 रुपये में दे रहा हूँ, 2500 रुपये में, मतलब क्या मान भी कितना है? 2500 है, बेच कितने में रही हूँ? 1500 में, तो मेरे को बट्टा फायदा कितने का मिला देखा जाए तो 2500 में से जैसे मैंने 1500 घटाए कितना आ गया? देखने वाले हाँ मुझे 1000 रुपये का फायदा हो गया। मैंने कहते ना कई चीजें एमआरपी में देखते हैं बहुत ज्यादा लिखी होती है, जैसे 1000 और मिल कितने में जाती है? 800 में। हाँ अब तो 200 रुपये का क्या हो गया? लाभ हो गया, मतलब 200 रुपये मैंने बचा लिए। ठीक है, इसी प्रकार एक चीज और देखते हैं, अगर आपसे परसेंटेज में पूछ ले कि लाभ कितना परसेंट हुआ है, ये तो नॉर्मल बात होगी कि आपने लाभ निकाल लिया, पर अगर आप परसेंटेज में पूछे तो क्या करोगे, कैसे करोगे? लाभ परसेंट निकालने के लिए, लाभ परसेंट निकालने के लिए क्या करोगे? लाभ बटे में क्रय मूल्य गुणा में 100। मतलब क्या? लाभ किस पे होता है? लाभ और हानि जब भी होती है किस पे होती है? क्रय मूल्य पे, इसलिए बटे में क्रय मूल्य, जितना लाभ होगा ऊपर इनटू में 100। अगर हानि प्रतिशत पूछे तो सेम हो जाएगा, हानि बटे में क्रय मूल्य गुणा में 100, क्योंकि जो हानि होगी वो भी क्या होगी आपकी? क्रय मूल्य पे होगी। लाभ और हानि होते किसमें है? क्रय मूल्य पे, क्योंकि जितने में हमने
ये सिर्फ मैंने एग्जांपल दी है क्या होता है, ठीक है। उसके बाद पता लग गया प्रमुल्य क्या होता है, इसको सीपी बोल देते हैं। विक्रम मूल्य क्या होता है, उसको एसपी बोल देते हैं। अंकित मूल्य को एमआरपी बोलते हैं। लाभ को पी से डिनोट कर देते हैं, प्रॉफिट, इसको एल से लॉस, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आपका 31वें आंकलन, वो आपको बता चुके हैं, फिर भी देख लो क्या से पता लगाएंगे कि ये प्रतिशत कितना अपने को बढ़ोतरी हुई या घटोतरी हुई, वो आपको बता दिया। उसके बाद बिक्री कर टैक्स है वो कैसे करेंगे, ठीक है। अब अपने देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं, इसी का पहला क्वेश्चन देखें। देखो आपको क्वेश्चन क्या है, एक व्यक्ति के वेतन में 10% की वृद्धि होती है, वृद्धि होने के बाद उसका वेतन कितना हो रहा है, 1,54,000 है, तो उसका मूल वेतन यानी पहले जो वेतन था वृद्धि होने से वो ज्ञात करना, तो कैसे करोगे। अपने को क्या पता है 10% वृद्धि होने के बाद का वेतन पता है, तो कैसे करेंगे। मानना मूल वेतन कितना मान लोगे, एक्स रुपए, अब वृद्धि कितनी हो रही है प्रश्नानुसार, वृद्धि कितनी हो रही है 10% यानी 100% तो थी, उसमें कितनी वृद्धि होगी 10%, जैसे 10% की वृद्धि हुई तो कितने की होगी 110% हो गया। 110% के बराबर क्या हो जाएगा, 1,54,000 इसके बराबर हो जाएगा। क्या कह रहे हैं, मूल वेतन एक्स रुपए है, प्रश्नानुसार एक्स का क्या 100+10% बट परसेंट है, तो 100 लिखने की जरूरत नहीं है, किसके बराबर है 1,54,000 के, 1,54,000 के। तो करो एक्स, जैसे इसको करोगे 100+10 110% है, परसेंट को डालेंगे बटे में कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा, बराबर में 1,54,000 हो जाएगा। अब जो बट रहे अपने काट देंगे, 1 0 से 1 0 गई, ये गुना में है, इधर आके भाग में, मतलब ये संख्या क्या हो जाएगी पलट जाएगी, x बराबर 1,54,000 बटे क्या हो जाएगा 10 × 11, अगर काटते हैं तो कट जाएगा, देखो 11 × 11 जैसे 11 × 11 किए 5 में से 1 गया 4 और 4 11 चौके 44 और ये क्या रह जाएगी 3 0, कितना हो गया 14,000, गुणा किया किससे 10 से, 1,00,000 कितना हो जाएगा आपका 1,40,000, 1,40,000 रुपये उसका वेतन था, जैसे उसमें 10% की वृद्धि हुई तो कितना हो गया 1,54,000, तो आपका मान कितना आ जाएगा 1,40,000, ठीक है। ये क्या हो गया, प्रोसेस पे हो गया आपका परसेंटेज पे क्वेश्चन, दोबारा देख लें क्या करें, एक व्यक्ति के वेतन में 10% की वृद्धि होती है, कितने परसेंट की हो रही है 10% की, उसका पहले का मूल्य कितना है, मतलब उसके बाद वेतन कितना कितना मिलता है एक्स रुपए मान लेंगे, कितने की हो रही है 10, मतलब 100 तो था ही, कितने में वृद्धि हो रही है 10 में, तो कितनी हो जाएगा 110% हो जाएगा, जैसे 110% के बराबर क्या लिख देंगे, इनके बराबर में क्या आ जाएगा 1,54,000, 110% लड़ाया बटे में क्या हो जाएगा 100, बराबर में 1,54,000। अब देखो जो कट रहा है काट देंगे, 0 से 0 कट रही है, ये गुना में है, बराबर के तो जाते हैं कैसे जाती है संख्या पलट जाती है, यानी भाग में 10/11, अपने काट देंगे 154 में भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 14 और ये 0 है 14,000, अब गुणा कैसे करोगे 10 से, तो क्या आ जाएगा 1,40,000, यह पर क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपका सेकंड क्वेश्चन देखो, रविवार को 845 व्यक्ति क्या गए चिड़ियाघर गए, सोमवार को केवल 169 व्यक्ति गए, चिड़ियाघर की सैर करने वाले व्यक्तियों की संख्या में कितने परसेंट की कमी हुई, क्वेश्चन में मिस्टेक आएगी, सोमवार को कितने परसेंट की कमी हुई, सोमवार को कितने परसेंट की कमी हुई, अब सोमवार की निकालनी है, ठीक है। अब की कमी, सोमवार को कमी पूछ रहे, तो कमी किस में से होगी, रविवार को,
तो पहले देखिए लिखेंगे रविवार को चिड़ियाघर में व्यक्ति गए, व्यक्ति गए कितने गए हैं 845। सोमवार को कितने गए हैं, कितने गए हैं 179। अब पूछ क्या रहे हैं व्यक्ति की संख्या में सोमवार को कितने प्रतिशत की कमी हुई। अपने नॉर्मल देखे रविवार और सोमवार कितने कम गए हैं, देखे तो 845 माइनस 179 करोगे 15 में से 9 गया 6, 13 13 में से 6 गया 7, 6 6 में से 1 गया 7 में से 1 गया 6, कितने कमी हुई व्यक्ति सोमवार को कमी हुई कितने व्यक्तियों की 676 व्यक्ति। अब देखो मैं क्या कह रही हूँ 676 व्यक्ति की कमी हुई, वो क्या कह रहा पूछ रहा कितने परसेंट। जब भी परसेंट निकालते हैं जिसमें से कमी होती है किसकी कमी से कमी हुई है मतलब रविवार की, तो रविवार को क्या लिखोगे बटे में जितनी कमी होती है कितना 676 इंटू में 100। नॉर्मल देखते हैं अपने नंबर आते हैं तो कैसे निकालते हैं परसेंटेज कैसे निकाला जाता है, जितने नंबर आए ऊपर जितने में से आए वो नीचे गुणा में 100। इसी प्रकार जितने व्यक्ति गए थे रविवार को जितने की कमी हुई गुणा में 100। जैसे 5 से काटो 5 2 10 0 इसको काटेंगे 5 5 कितना लगेगा 3 4 34 5 6 30 4 5 45। अब मुझे दिख रहा है कि 179 ये 4 है, अगर इसको 4 से गुणा करूं 9 6 36 6 6 24 24 और 3 27 4 1 4 5 6 कितना रह जाए 676 पूरा पूरा कट रहे तो कितना आ जाएगा 4 पे गया 4 2 8 यानी 80% व्यक्ति की कमी थी। यानी सोमवार को कितने गए थे ओनली 20% व्यक्ति गए थे किसके रविवार के उसके अपेक्षा देखिए। ठीक है आज के लिए इतने ही है, बाकी हम नहीं करेंगे अगली वीडियो में। इसको रिपीट कर लेना, फॉर्मूले याद कर लेना, फॉर्मूले याद होंगे तो ये क्वेश्चन इजीली हो जाएंगे।